नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम भाग्य मंथन में। मित्रों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के 2016 में होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में, जिनमें आज हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष 11 अगस्त 2016 को बृहस्पति देव सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे और 12 सितंबर 2017 तक कन्या राशि में ही रहेंगे। मेष राशि, मेष राशि का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास होता है, जो कि बृहस्पति देव की मित्र राशि है। 2016 में बृहस्पति देव मेष चंद्र लग्न के छठे भाव से गोचर करेंगे। क्योंकि बृहस्पति कन्या राशि में गोचर करेंगे, इसलिए बृहस्पति का प्रभाव बुध की दोनों राशियों पर भी रहेगा। मिथुन राशि के प्रभाव के चलते पराक्रम में वृद्धि से लाभ प्राप्त होंगे। कन्या राशि के प्रभाव से शरीर में रोगों और चर्बी की मात्रा बढ़ेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की दृष्टि प्रभाव के बारे में। पंचम दृष्टि के चलते कार्य स्थान में सफलता प्राप्ति होगी, लेकिन शरीर में रोग बनने से कार्य करने में बाधा भी आएगी। सप्तम दृष्टि के चलते विदेशी यात्रा होगी, जो कि कुछ अच्छे प्रभाव बनाएंगे तो कुछ खराब प्रभाव भी बनाएगी। इस समय फिजूल खर्चे पर आपको संयम रखना पड़ेगा। इस वर्ष पूजा पाठ में भी दिल खोल कर धन व्यय करेंगे। नवम दृष्टि के चलते धन धान्य में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस समय आप प्रसन्न रहेंगे। आइए अब जानें बृहस्पति गोचर के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं। पहला, बुध ग्रह आपके कार्यों में बाधा ना डाले, इसके लिए बुधवार के दिन गाय माता को 1.25 किलो पालक खिलाएं। दूसरा, ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे आगे की राशियों के ऊपर। तब तक के लिए नमो नारायण।